दोस्तों आज का ये काउंटडाउन स्पेशली उनके लिए है जो कि हर वीकेंड कुछ ना कुछ नया देखना चाहते हैं, यानी कि कुछ नई मूवीज देखना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी डब्ड हो या फिर हिंदी हो। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जिन्हें रिसेंट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग न्यू रिलीज मूवीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में जो कि फिलहाल इंटरनेट पर तहलका मचा रही है। नंबर 5 पर है गोलम। दोस्तों इस मूवी की कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इस मूवी की खास बात यह है दोस्तों कि इस मूवी में आप अच्छा खासा थ्रिल और अच्छा खासा सस्पेंस एंजॉय करने वाले होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ऑफिस से जहां पर बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस है। हर एक ऑफिस का बॉस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खड़ूस होता है, लेकिन इस ऑफिस का बॉस कुछ ज्यादा ही खड़ूस है और यह अपने सभी एम्प्लॉयज को बहुत ही ज्यादा सताता भी है। लेकिन अचानक से ही इसकी डेड बॉडी बाथरूम में पाई जाती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। असल में इस बॉस की हत्या किसने की होती है यह जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी की स्टोरी दोस्तों अमेजिंग है, इसकी एंडिंग आपका दिमाग पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। नंबर 4 पर है आउटसाइड। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि जॉम्बी टाइप मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जॉम्बीज में कन्वर्ट भी हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच एक फैमिली जो कि किसी भी तरह से जॉम्बीज से सर्वाइव कर रही होती है और लास्ट तक ये फैमिली जॉम्बीज से सर्वाइव करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी में आप पति पत्नी के झगड़े को भी देखने वाले होते हैं जो कि इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3 पर है द शैडो स्टेयर्स। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि मूवी में अंधाधुन एक्शन देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एजेंट 13 से जो कि नई नई एजेंसी ज्वाइन कर रही होती है, क्योंकि वो जिस एजेंसी को ज्वाइन कर रही होती है उनका सिर्फ यही काम रहता है कि वो पैसे लेकर लोगों को असैसिनेट करे। लेकिन इसी बीच एजेंट 13 का फर्स्ट मिशन पूरी तरह से बेकार हो जाता है क्योंकि उसने छोटी मोटी गलती की होती है और इसी वजह से एजेंसी उसे काम नहीं दे रही होती है और उसे घर पर ही बिठा रख देती है। लेकिन इसी बीच अचानक से ही उसका लगाव एक छोटे बच्चे के साथ हो जाता है। लेकिन दूसरे ही दिन उसे पता चलता है कि कुछ गुंडे जो कि उस बच्चे को किडनैप कर चुके हैं और हमारी एजेंट 13 जो कि किसी भी तरह से उस बच्चे को ढूंढ कर निकालना चाहती है। और लास्ट तक एजेंट 13 अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी में दोस्तों आप अंधाधुन एक्शन एंजॉय करने वाले होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किसी भी जगह पर बोर होने का मौका नहीं मिलने वाला होता है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसके IMDb रेटिंग है 10 में 6.6, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2 पर है वुमेन ऑफ द आवर। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि स्लैशर और थ्रिलर मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी आपको ले जाती है 1970s जहां पर एक महिला जो कि बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मार रही होती है, लेकिन असल में वो लोगों को क्यों मार रही होती है और उसके पीछे असल में उसका क्या मोटो है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी की कॉन्सेप्ट आपका दिल पूरी तरह से दहलाकर रख देने वाली होगी और सबसे खास बात दोस्तों इस मूवी की ये है कि ये पूरी की पूरी मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है एलियन रोमुलस। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि एक्शन और फैंटेसी मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस मूवी को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इस मूवी में आप फिर से एलियन और ह्यूमंस के खतरनाक फाइट को देखने वाले होते हैं और ये फाइट कहाँ पर जाकर खत्म होती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी में आप अच्छी खासी हॉरर और थ्रिलर एक्टिविटी एंजॉय करने वाले होते हैं। मूवी आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं एप्पल टीवी प्लस पर। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।